का ठीक ठाक है ना? हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहा था? पेमेंट आ जाएगा, बस आ गया है, समझो हाथ, समझो जो बैंक में आ गया है, हाथ में निकालने का देरी है। अब क्या है तो आ जाएगा। नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होता है? अच्छा हाँ, आज है हॉट वर्क, वेल्डिंग। हॉट वर्क में आता है वेल्डिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग, ऐसा वर्क जिसमें आग जलता हो, स्पार्क होता होगा, और स्पार्क फ्लेम और टेम्परेचर, और रिजल्ट में उसका परिणाम यही होता है फायर, आग लग जाएगा, बर्न, हाथ उठ जल सकता है, एक्सप्लोशन, विस्फोट हो सकता है। उसमें क्या है, उसको हॉट वर्क करते हैं, कहते हैं। तो हो गया वेल्डिंग, गैस कटिंग और ग्राइंडिंग में भी स्पेटर गिरता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, जो आग न लगे उसके लिए क्या करना है। उसके लिए जितना भी मटेरियल है जलने वाला, चाहे मैं पेपर, कपड़ा, कुटा, बोरी, प्लास्टिक हटवाता हूँ, थोड़ा भी स्पेटर उस पर पड़ेगा तो जल जाएगा। एक बार यहाँ पर थोड़ा लग भी गया था, बहुत होगा तो देखा होगा। तो उससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है, सबसे पहले हाउसकीपिंग कर देना है। हाउसकीपिंग जो है 80%, 88%, 88% तक हजार खतरा को दूर कर देता है। इसलिए बोलता हूँ, जहाँ तहाँ जाएगा, मटेरियल इधर उधर फेंका हुआ रहता है, उसको उठा करके स्टैकिंग करके वहीं पर रख देगा। हो गया हाउसकीपिंग, उसके बाद हो गया फायर, बर्न, एक्सप्लोशन जो होगा। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है काम करने वाला आदमी ठीक रहना चाहिए। काम करने वाला आदमी एकदम कंपिटेंट पर्सन है, ट्रेंड पर्सन है। इसके अलावा उसका इक्विपमेंट भी ठीक रहना चाहिए। गैस कटिंग है तो उसका सब कुछ ठीक रहना चाहिए। वेल्डिंग है तो वेल्डिंग में उसका केबल सही रहना चाहिए, बॉडी अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा हो गया उसका होल्डर सही रहना चाहिए, ये सब फिजिकल कंडीशन उसका सही रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडीशन सही रहना चाहिए। ये सब सही रहेगा तो क्या होगा, तब कुछ नहीं गड़बड़ी होगा उसका। वेल्डिंग जो चलेगा तो वेल्डिंग में सबसे पहला कारण क्या है नुकसान होने का कारण, वो है शॉक लगने का खतरा। शॉक लगने से बचाने के लिए उसमें बॉडी अर्थिंग लगाया जाता है, RCC है, PPEs मस्ट है। इस बीच में एक आदमी को क्या हुआ, वो वेल्डिंग कर रहा था, हैंड ग्लव्स फटा हुआ था तो उसको, और हैंड ग्लव्स था तो उसको क्या किया, वो बदली करवा दिया, इस हाथ का इसमें पहन के अपना ले लिया। आपका नहीं ना कुछ गड़बड़ी है तो अपना देख लीजिएगा। उसके बाद हो गया वो शॉक का खतरा, इसके बाद हो गया आग लगने से बचाने के लिए हाउसकीपिंग तो करेगा ही, हाउसकीपिंग के साथ फायर बॉकेट जो है वो वहां पर रख दीजिएगा। गैस कटिंग कीजिएगा तो गैस कटिंग में सब कुछ सही करके चेक, सोप सोल्यूशन झाग है उसमें थोड़ा पानी दे दीजिएगा और उससे चेक कर दीजिएगा, जो लीकेज नहीं होना चाहिए। और ऊपर में जो भी काम करेगा आप भी कीजिएगा, कटिंग कीजिएगा या वेल्डिंग कीजिएगा, बोरी भिंगा करके अंदर में रख दीजिएगा। भिंगा हुआ बोरी में कटिंग जो होगा, सरिया भी कटिंग होगा तो तुरंत उठा करके, पानी है ना वहां, और पानी रखना है, जो सरिया कटिंग होगा उसमें लेकर के अंदर करके पानी में दे करके वॉश कर देगा, तो आदमी भी बच जाएगा और आपका पीपी जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए। निजी सुरक्षा उपकरण कंप्लीट होना, काम करने वाला इसकी इनके बगल में जो भी आदमी रहेगा वो भी सावधानी पूर्वक रहेगा, होगा चश्मा ले लेगा। और कभी कभी देखता हूं जहां जो ऊपर में काम करता है, काम करने वाला आदमी क्या करता है, टंग लटका देता है, टंग लटका करके लगता है उसको कोई जिम्मेदारी ना है, टाइम पास कर रहा है। ऊपर में जरूरी नहीं है तो नीचे आ जाओ, अगर ऊपर में रहेगा कुछ ना कुछ करते रहो। डीएम सर जा रहे थे, उसका नजर दो आदमी तीन आदमी एक ही पर बैठा हुआ है और टांग ऐसे ऐसे झुला रहा है, क्या सोचेगा, सोचेगा ये सब काम नहीं करता है। तो ऐसा नहीं करना है, तुम हृदय ग्रुप का था उसमें तुम भी था, समझ गया, ऐसा नहीं करो, ठीक है, थैंक यू, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। वोल्टेज खत्म हो गया है, जय सुरक्षा।
विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी। थैंक यू। चलिए क्या सही नहीं है इस पर जो अब साइन करने के लिए देता हूँ, वर्किंग एट हाइट के लिए जो रजिस्टर बना गया है, इस रजिस्टर में कोई साइन करता है कोई नहीं करता है, एक बात। दूसरा बात क्या है, इन टाइम नहीं दिया इस रजिस्टर में, आउट टाइम नहीं दिया। आउट टाइम अगर जिस समय उतरेगा उसी समय देना है, इससे आप लोगों को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। घंटा कम भी दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है, हाँ बढ़ा के काहे देगा। अगर आएगा कोई जो आदमी है लिख देगा पहले, बढ़ा करके भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, घटा करके भी कोई नुकसान होने वाला नहीं। तो जो जिस समय में चढ़ेगा उसी समय में। अब मैं क्या कर दिया हूँ, नाम कॉन्ट्रेक्टर को हटा दिया, जैदे रहता है तो भारी होता है, डेजिनेशन सेफ्टी बेल्ट ओके ओके कर लेगा, जिसका गड़बड़ होगा तो सेफ्टी बेल्ट बताएगा, बताएगा जो हमारा सेफ्टी बेल्ट गड़बड़ है उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। उसके बाद हो गया इन टाइम, कितना टाइम में चढ़ेगा, 12 बजे चढ़ेगा तो 12 बजे लिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बाद इन टाइम के बाद हो गया सिग्नेचर, उसको साइन कर देगा जाते वक्त, टाइम लिख करके उसके बाद साइन करेगा, उसके बाद आते वक्त फिर आउट टाइम है वो लिख देगा, उसके बाद साइन कर देगा। इसमें करने में क्या गड़बड़ी है, बहुत आदमी ऐसा है जो नहीं किया, नहीं करने वाला क्या है, बासुकी शाह कौन है, विद्यासागर कौन है, बासुकी शाह कौन है, बासुकी शाह बोलो, तो यह नाम क्यों लिखा, ये भी गड़बड़ी है ना। जितना आदमी है उतना ही आदमी, आओ जाओ जाओ, तुम्हारा भी बीमारी है, आओ 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 सबसे, तो आओ आगे आओ, तुम आगे आओ पीछे मत जाओ, आओ आओ आगे आओ, तुम तो हिट लिस्ट में है, उन कलाकार आदमी तो आगे रहता है, आ जाओ। नहीं नहीं तुमको तुम मत बोलो, तुम खुद नेता है, तुम एक साल से मैं जानता हूँ, चलो इधर ला जाओ, जैकेट है पहन लो थोड़ा, हाँ 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 हाँ, नहीं रखो सही बात है, लेकिन पहन लेना चाहिए। सब हेलमेट में व्हाइट हेलमेट आता है, व्हाइट हेलमेट के बाद ग्रीन हेलमेट आता है, ग्रीन हेलमेट के बाद ब्लू आता है, और लास्ट में आता है येलो हेलमेट। जैसे आदमी का वर्कर का क्या है, काम करने वाला कंस्ट्रक्शन साइट में सबसे पहले हाई स्किल आता है, ये लोग आते हैं हाई स्किल में, हम लोग भी हाई स्किल में आते हैं, जो फोरमैन है वो हाई स्किल में आता है, उसके बाद होता है स्किल्ड में सुपरवाइजर, वेल्डर गैस कटर कारपेंटर फिटर वो आता है, और उसके बाद आता है सेमी स्किल्ड, उसको हाफ स्किल बोला जाता है, जो थोड़ा बहुत काम सीख लिया जाए, और लास्ट में आता है हेल्पर आता है। तो चारों में सबसे उच्च में आता है फोरमैन, अब फोरमैन नहीं है तो सुपरवाइजर आता है, तो सुपरवाइजर को और टाइट रहना चाहिए ना, कि नहीं तब न सब वैल्यू देगा। अपने जैकेट नहीं मैं पहनूंगा तो मैं भाषण छूट मूट का देना चालू कर दूंगा, तो हमारे सामने नहीं बोलेगा, बगल में भी तो बोलेगा, ए अपने भाषण दे रहा है अपने जैकेट नहीं पहना, मैं पहले ठीक रहूंगा तब न बोलूंगा। इसका एक आदमी और जैकेट आज छोड़ दिया है, वो भी हीरो टाइप का है, हाँ 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 है हीरो है, तो हीरो है तो हीरो यहाँ नहीं जरूरी है, हीरो का काम कहाँ है, बम्बई में शूटिंग सब करेगा, फिल्म बनाएगा, और यहाँ जो करेगा यहाँ नहीं फिल्म बनता है। तो जो जैकेट नहीं है उसका जैकेट लेकर के ले लो, और नहीं पहनेगा दबंगई दिखाएगा, क्या होगा, कभी फंसेगा, फंसेगा ना, जो एक बार गलती करे या एक बार बार 100 बार गलती करे, सेफ्टी बेल्ट पहनने में वर्किंग एट हाइट में पहली बार गिरे या 120 बार गिरे, जो सेफ्टी बेल्ट सही से यूज नहीं करेगा गारंटी गिरना है, गिरना है गारंटी। तो जो गलती कर रहा है समझ नहीं रहा है हमारे बातों को, मैं इशारा में समझा देता हूँ, जो को से कलकत्ता समझना चाहिए और डी से दिल्ली समझना चाहिए,
जो नहीं पहनेगा कभी फंसेगा, फंसेगा तो हमारा काम क्या है? जैसे गुड्डी उड़ाया जाता है ना, लेकिन इनको फ्री कर देता है, जाओ भागो जितना देर भागना है। तो मैं तो वही करूंगा, वही करूंगा। साम दाम दंड भेद किसी तरह तो उसको हमको सही करना है ना, समझाने सही हो जाए और अच्छा बात है। तो इसमें रजिस्टर में सबको लिखना जरूरी है, थोड़ा देखो सबको, समझ गया? तुम भी सही हो जाओ, सुपरवाइजर है इसका बहुत वैल्यू है, तो सबको थोड़ा देखभाल करो, हमारा आदमी क्या कर रहा है। और संतू तुमको भी बोल रहा हूँ, जो आदमी कुछ गड़बड़ी करे उसका देखभाल करो। आज है तुम, आज है जीएसए बोला जाता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जो हम लोग डेली भरते हैं वहां पर, उसमें ये बताया जाता है क्या काम हो रहा है, उसका क्या खतरा है और उसका क्या सावधानी होगा, क्या प्रिकॉशन होगा, वही बताया जाता है उसमें। तो मैं हाइट का आज बता देता हूं, जो हाइट में है, वर्किंग एट हाइट में है, जीएसए में बताया गया है आदमी को पीपीजी आइटम निजी सुरक्षा उपकरण है कि नहीं है, तो है हम लोग चैन मार देते हैं। उसके बाद हो जाता है हाइट में अगर चढ़ेगा तो सेफ्टी बेल्ट है कि नहीं है, उसमें हम लोग चैन मार देते हैं, हाँ है सेफ्टी बेल्ट है। उसके बाद उसमें बताया जाता है उसमें हाइट में जो चढ़ा है वहां पर बैरिकेडिंग है कि नहीं, बैरिकेडिंग है तो हम लोग हाँ मार देते हैं। उसके बाद लाइफ लाइन है कि नहीं तो उसमें भी हाँ मार देते हैं। उसमें यह भी बताया जाता है लूज मटेरियल भी है तो हम लोग नहीं करते हैं, लूज मटेरियल नहीं है, और हाई लूज मटेरियल उसको हटा देना जरूरी है। इसके बाद उसमें बताया जाता है जिस वर्किंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ेगा स्कैफोल्डिंग, वो स्कैफोल्डिंग पाइप सही है कि नहीं है, तो उसमें भी हम लोग हाँ मार देते हैं, जो वो एकदम सही है। इसके बाद हो जाता है स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं है, जो आदमी काम कर रहा है, काम करने वाला जगह खड़ा जहां होगा वो सही है कि नहीं, उसमें भी हाँ मार देता हूं। क्यों इसलिए बोलता हूं, डबल जाली लगाने के लिए और हैंडलिंग मिड रेल और टॉप रेल लगाने के लिए, तो ये सब बोला जाता है उसमें। इसके बाद अगर हॉट वर्क होगा ऊपर में तो कहेगा हॉट वर्क है तो फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, नीचे में जलने वाला सामान है कि नहीं है, तो ये सब देखा जाता है। तो ये सब कौन देखेगा? मैं तो बोल दूंगा, हमारे बोलने से हो जाएगा। काहे बोल रहा है आपस में, तुम लोग नेता है तो भाषण क्यों दे रहा है, इधर आकर के भाषण दो। आया है सबसे कहां कहां से पकड़ के लेके आ गया है पता नहीं, सो नहीं है। कुछ आदमी ऐसा है गांव में रंडुआ फंडुआ जैसे घूम रहा है, उसको पकड़ के लेके आ जाएगा, चलो यहां काम कर लो। काम नहीं करेगा तो गिनती तो हो जाएगा, गिनती हो जाएगा तो देखा जाएगा, हाजिरी तो बन जाएगा, उसके बाद अपना इधर उधर चार चक्कर मारते रहेगा। लेकिन ये एक बात बता दे रहा हूं जो फैक्ट बात है, जो काम करने में मैं भी, हमारे ऊपर भी लागू होता है। मैं अगर 1,000 रुपया ले रहा हूं, 500 करूंगा ना, वो पैसा चला जाएगा इधर उधर में, बीमारी में जाए, गिर जाए, दारूखाना में हमारा पैसा नहीं जाता है, तुम्हारा जाएगा। तो ये हो जाता है, तो डेली एक एक बात भी सुन लेगा जाएगा, और इस कान से सुनेगा और इस कान से निकाल देगा तो कुछ होने वाला है नहीं है। आदमी 3 तरह का होता है, एक और आज मैं बता देता हूं। एक आदमी मूर्ति लेने गया तो मूर्ति वाला मूर्ति बना रहा था, बोला देखिए 3 ठो मूर्ति रखा हुआ है, तो बोला बना रहा था, बोला कितना दाम है? एक का बोला 10,000 दाम है, एक का बोला 20,000 दाम है, एक का 50,000 दाम। बोला सब मूर्ति तो बराबरे है तो आप ऐसा क्यों करते हैं? बोला सब में अंतर है तो अंतर को सही करना है। तो एक था जो मुंह से बोलता था, कान से सुनता था, इस कान से निकाल देता था। दूसरा होता था कान से सुनता था, अब खूब बोलता था अच्छा अच्छा, जैसे ये बात अच्छा अच्छा बोल रहा है। और तीसरा वो है जो सुनेगा भी और उसको फॉलो भी करेगा। तो सुपरवाइजर जो भी है अपना जूनियर को समझा करके रखना है, कौन कहां काम कर रहा है नहीं कर रहा है,
उसको देखभाल करना है, जिसको आदमी दे दिया जाता है वहां भी इसे वापस चला आता है। तो ऐसा नहीं करना है। पैसा हम लोग ले रहे हैं कंपनी से तो उसके एवज में काम कर देगा, तो रहेगा, बीमारी भी नहीं होगा, पैसा भी सही जगह पड़ जाएगा और पैसा अमानत जमा रहेगा, घर परिवार भी खुशी रहेगा। ये ठीक है कि गलत है? तो ऐसा करना है, ठीक है। थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। विश्वकर्मा शक्ति, थैंक यू। है वो उसका फोटो आया, कहाँ चले गए वो? गड्ढा खोदने को एक्सकैवेशन बोला जाता है। उसमें एक्सकैवेशन दो तरह का होता है, एक मैन्युअली होता है, एक होता है मैकेनिकली। मैन्युअली को बोला जाता है वो ट्राई चंच होता है, जो एक मीटर बाई डेढ़ मीटर का गड्ढा खोदा जाए उसमें अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, जो अंडरग्राउंड में गैस पाइपलाइन, वाटर लाइन वो सब है कि नहीं है, केबल लाइन, कम्युनिकेशन लाइन वो सब है कि नहीं है। मैकेनिकली एक्सकैवेशन में क्या क्या खतरा होता है? सबसे आदमी का खतरा होता है, आदमी को पॉकेट से चोट लगने का खतरा रहता है। उसके लिए क्या क्या किया जाएगा? तो चोट लगने के लिए क्या होगा, आदमी जो भी मशीन चलाएगा उसके बगल में क्या है तो फ्लैगमैन रह गया, फ्लैगमैन उसको देख रेख, आदमी को सावधान होना जरूरी है लेकिन फ्लैगमैन रहना है उसको देख रेख करेगा। इसके अलावा गड्ढा में आदमी को गिरने का खतरा है, गिरने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाएगा? तो वेरी हार्ड बैरिकेशन कर दिया जाता है, हार्ड बैरिकेशन के अंदर में नहीं रहना चाहिए, बैरिकेशन डेढ़ मीटर एक मीटर हट करके होना चाहिए। आदमी का खतरा उसमें क्या है, तो ऊपर से मटेरियल गिरने, आदमी पर गिरने का खतरा है, तो कहीं भी एक्सकैवेशन के ऊपर में मटेरियल नहीं रखेगा। तो अगर उठाएगा एक्सकैवेशन करेगा तो एक डेढ़ मीटर ही वो मिट्टी का लोड देगा। इसके अलावा हो गया इक्विपमेंट का, इसमें भी क्या है, जो भी मशीन चल रहा है वो उसका जो है ऑथराइज पर्सन, ट्रेंड पर्सन वो ऑपरेटर होना चाहिए, हक को चलाए या बोकलेन को चलाए, ट्रेंड पर्सन। उसमें भी आदमी का क्या होता है तो बहुत कुछ देखा जाता है, यहाँ तो आई टेस्ट भी होता है, फिजिकली टेस्ट होता है, हेल्थ फिटनेस देखा जाता है और पुराना होना चाहिए, 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स के पीछे दायां बायां ऊपर नीचे का खतरा है, ऊपर जो प्लस लेवल में है तो नीचे गिरने का खतरा रहेगा, नीचे गिरने का खतरा जहां स्कैफोल्डिंग बनाया जाएगा तो उसमें क्या करेगा, सेफ्टी बेल्ट बांध देगा। जीरो लेवल है, स्लिपरी फॉल ऑफ पर्सन होगा, आदमी को फिसल कर गिरने का खतरा रहेगा तो वहां हाउसकीपिंग कर देगा। माइनस लेवल है तो गड्ढा में गिरने का खतरा रहेगा, गिरने से बचाने के लिए जहां से रास्ता होगा वहां से जाएगा, है वहां से जाएगा। कल एक आदमी वहां पर क्या कर दिया था, जहां रास्ता नहीं था उधर से चला गया, तो ऐसा नहीं जाना है। और हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, बताते हैं, और आप लोगों को कोई पूछता है कुछ नहीं बताते, ऐसा नहीं की आकर के कुछ कुछ बताइए, बताना जरूरी है, तब ना हम लोग सोचेंगे क्या मैंने बोला, आप लोग क्या सीखा, सीखना जरूरी है ना, सीधे बोलने से तो नहीं है, इस कान से सुनते हैं इस कान से निकाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। जिसको जो बताया जाता है वो ध्यान से सीजिए, सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। कुछ को बताने के लिए बोलने सर आज मैं छोड़ दें, ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, थैंक यू। जिसका जो काम है वो वही काम करे, ठीक है। कल एक इंसिडेंट हुआ है, बता रहा हूँ तुम्हें, कुचियाड़ में रजो बन रहा है, एक कंक्रीट करने वाला जो हेल्पर होता है या जो मिस्त्री है जो भी है वो ट्रैक्टर चला रहा था, सामान मेटल इधर उधर अनलोडिंग लोडिंग कर रहा था, ठीक है। उसके गेट पास पकड़ लिया गया, उसे चेक किया गया कि वो क्या काम करता है, तो वो हेल्पर में है, कंक्रीट करता है, लेकिन क्या कर रहा था वो, यहाँ से यूनिट 7 से जो मेटल को ले जाके ट्रैक्टर के थ्रू वहाँ लेके जा रहा था। एक बात हो गई, चलो उसके पास लाइसेंस है नहीं है, लाइसेंस उसके पास में कार चलाने तक का है, ट्रैक्टर चलाने का नहीं, ट्रैक्टर आता है हैवी व्हीकल में, जेसीबी चलाने का नहीं है। तो इस चीज़ को देख लो, कोई भी वही काम करना है जिसके लिए तुम्हारे पास में पेपर है, ठीक है ना। कोई आदमी अगर कहता है मुझे आता चलाना, वो चलाएगा नहीं, क्योंकि जब तक उसका गेट पास पे उसका ऑपरेटर ना लिखा हो, ड्राइवर ना लिखा हो उसका हैवी, और उसका लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ जो इन्होंने बताया अभी बैरिकेड के बारे में, गड्ढे के बारे में ना, उसमें स्पेशली ध्यान रखो
कहीं भी हार्ड बैरिकेड के अंदर नहीं जाना है। बहुत फोटो ऐसे आ रहे हैं कि लोग बैरिकेड के अंदर रहते हैं। अगर बैरिकेड के अंदर रहें तो फिर बैरिकेड का मतलब क्या हुआ करने का, ठीक है ना, इसी को जरूर देख लो। एक और एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा है, उसमें क्या, उसमें सीधे जान जाने का खतरा होता है, लगता नहीं, पता नहीं चलता कि उसमें क्या हो जाएगा। मशीन जब चल रही होती है, एक्सीडेंट कर रहा है, वो घूमती है, पूरा राउंड घूमती है, उसका जो पीछे वो तो आगे काम कर रहा है, उसे पता पीछे कोई नहीं है। अगर फ्लैगमैन ने वहाँ गलती की, वहाँ फ्लैगमैन नहीं हुआ, तो मशीन को घुमाएगा, पीछे हुआ, उसका इतना प्रेशर होता है कि वो सीधे ऐसे फेंक के मारेगा दूसरे। तो उसकी जो अप्रोच है उसमें बिल्कुल न जाना दूर उसके, है ना, आसपास थोड़ा पहले वहाँ फ्लैगमैन तो रहना नहीं है, लेकिन वहाँ फिर भी देख लेना, आसपास कोई वहाँ ना रहे, जब तक मशीन बंद ना हो उसके पास से गुजरना भी नहीं है, ठीक है। उसका कितना मीटर का डाया होता है, वो घूमता है उतना, उसे उसे मार्क रखा है, ठीक है, तो उसके आसपास में कोई ना जाए, इसी को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो जिसका जो काम है वो अपना काम करे, मिस्त्री मिस्त्री का काम करे, हेल्पर हेल्पर का काम करे, ठीक है। काम सीखना है, साथ में रह कर देखो, लेकिन जब काम करने के लिए बोला जाएगा, स्पेशली किसी की नजर में रहना है, इंजीनियर की नजर में रहना है, वो काम करने, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो, टिप की ना हो किसी के पास में, वो इन्हें नोट करा दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बिना सेफ्टी पीपी के कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। आज है एक्सकैवेशन, तो एक्सकैवेशन जो है, एक्सकैवेशन से पहले एक चीज होता है, उसको बोलता है ट्रायल टंस। वो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज में क्या सब आता है, वाटर पाइपलाइन आता है, कम्युनिकेशन लाइन आता है, फोन वाला जो होता है अंडरग्राउंड, गैस पाइपलाइन आता है, इलेक्ट्रिकल लाइन भी आता है, उस सबको चेक करने के लिए क्या होता है, ट्रायल टंच किया जाता है। वो ट्रायल टंच होता है, ऐसा होता है जो 1.5 मीटर गहरा है, इसके अंदर होता है, उससे अधिक नहीं, 1.5 मीटर से अंदर होता है। और उसका कहा जाता है जिसकी चौड़ाई गहराई से कम हो, जिसका गहराई चौड़ाई से अधिक हो, वो हो गया ट्रायल टंच। तो उसको चेक किया जाता है, किसी तरह का पाइपलाइन इधर उधर तो नहीं है, कम्युनिकेशन लाइन तो नहीं है, उसको चेक किया जाता है। इसके बाद हो गया जो वो मैनुअली होता है, ट्रायल टंच जो होता है वो मैनुअली होता है, उसमें आदमी का ही जरूरत है, फावड़ा से गैती से खोदा जाता है, क्योंकि किसी तरह का केबल रहेगा तुरंत जो इक्विपमेंट लगा देगा, जेसीबी लगा देगा और एक्सकैवेटर लगा देगा, क्या होगा, पावर आ जाएगा उसमें। एक जगह ऐसा मैं देखा था, जो जेसीबी से खोद रहा था ड्राइवर, वो ड्राइवर वैसे बैठे रह गया टाटा स्टील प्रोजेक्ट में, केबल का पता उसको नहीं था, उसके लिए ऐसा हो गया, इसलिए उसको चेक किया जाता है। अब हो गया एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन आदमी द्वारा और इक्विपमेंट द्वारा, मैनुअली और मैकेनिकली द्वारा, ये 1.4 मीटर से अधिक खोदने को एक्सकैवेशन बोला जाता है, जिसमें बहुत तरह का खतरा होता है। अब उसका मैं खतरा बाय खतरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आदमी जाता है, तो आदमी का क्या क्या खतरा है, तो आदमी जाएगा तो आदमी चलेगा, साइड में चलेगा, आना जाना करेगा, तो आदमी को गड्ढा में गिरने का खतरा है, गिरने से बचाने के लिए हार्ड बैरिकेशन कर दिया जाता है। उसके बाद आदमी को क्या है, स्लिप ट्रिप फॉल ऑफ पर्सन, कहीं भी आदमी गिर सकता है, चाहे गड्ढा में गिरे या आने जाने वाला रास्ता में गिरे, कहीं भी, तो गिरने से बचाने के लिए क्या होगा, सही रास्ता बना देगा, रास्ता में मटेरियल सबको हटा देगा, क्लीन कर देगा, और रास्ता सही, सीढ़ी लगाना जरूरी है तो गड्ढा में सीढ़ी बना देगा, हैंडलिंग भी लगा देगा आने जाने के लिए। इसके बाद होता है आदमी का खतरा, ये आदमी तक ही सीमित है। इसके बाद क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा, उसमें लगेगा एक्सकैवेटर लगेगा या जेसीबी लगेगा, डंपर लगेगा, तो फिर उसका खतरा अलग हो गया। तो इक्विपमेंट का खतरा ये हो गया, सबसे पहले तो इक्विपमेंट जो चलाएगा उसको बोला जाता है, ड्राइवर जो रहेगा तो एसडीपी सेफ ड्राइविंग पास उसके पास रहना जरूरी है। उसके बाद उसका फिटनेस सर्टिफिकेट आता है, आई फिटनेस भी आता है, और किसी तरह का उसको बीमारी नहीं होना चाहिए।
उसके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, हाई फिटनेस भी चाहिए, फिजिकली मेंटली और मेडिकली सब दुरुस्त रहना चाहिए, तभी वो चलाएगा गाड़ी। उसके बाद अब गाड़ी का खतरा हो गया, गाड़ी में क्या सब गड़बड़ी है, तो गाड़ी भी गड़बड़ हो सकता है। तो गाड़ी मोटे तौर पर बोल रहा हूँ, उसका फिजिकल कंडीशन देख लेगा सही है कि नहीं है। इसके अलावा हो गया, गाड़ी से आदमी को चोट लगने का खतरा है, बॉकेट से एक्सेवेशन करेगा तो चोट लगेगा कि नहीं लगेगा, चोट लगने का आदमी को खतरा है, और गाड़ी को आदमी पर चढ़ने का खतरा है, चढ़ भी जाता है कहीं न कहीं। इसके बाद गाड़ी पलटने का खतरा है, तो पलटने से बचाने के लिए तो वही ट्रेंड पर्सन रहेगा, ड्राइवर ऑपरेटर जो भी चलाएगा ट्रेंड रहेगा। आदमी को और इक्विपमेंट से बचाने के लिए फ्लैगमैन जरूरी है, एक फ्लैगमैन रहेगा जो आदमी का देखभाल, गाड़ी को भी देखेगा, आदमी को भी अलर्ट करेगा। गाड़ी टक्कर लगने का खतरा हो जाता है, और आदमी को भी चोट लगने का खतरा से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जहां भी एक्सकैवेशन देखते हैं बड़ा बड़ा होता है, वहां गाड़ी का रूट अलग हो जाता है और आदमी का रूट जाने आने का रास्ता अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो जाएगा तो खतरा होगा, वहीं पर वो दूर हो गया। इसके बाद हो जाता है एक्सकैवेशन का मटेरियल ऊपर से नीचे गिरने का खतरा होता है, मटेरियल गिरने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, किनारे में मटेरियल रखबे नहीं करेगा। इसके बाद गाड़ी पलटने का खतरा होता है, तो गाड़ी पलटने से बचाने के लिए जहां एक्सकैवेशन होता है 2.5 मीटर छोड़ करके गाड़ी को हैवी इक्विपमेंट को अलग में रखा जाता है। ऐसे इस बीच में एक वीडियो भी आया था, जो किनारे में मिलर लगा हुआ था, मिलर के किनारे में गड्ढा था, 1 मीटर पहले मिलर खड़ा था, लोड था, वहां एक आदमी खड़ा था, वो मिलर घूमते गया, चलते 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 वो धसते 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 ऐसा हुआ गाड़ी आदमी के ऊपर अपना गिर गया, पलट गया गाड़ी। तो उसके से बचाने के लिए क्या करते, 2.5 मीटर इसलिए हट के रखा जाता है। इसके बाद हो गया आदमी का खतरा, हाँ इसके बाद हो जाता है काम जो करेगा, गड्ढा करेगा तो उसमें और खतरा बढ़ जाएगा, गड्ढा करेगा तो फिर पानी भर जाएगा, वो हो गया काम करने जगह वाला खतरा हो गया, उसको 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड कहते हैं, काम करने वाला जगह का 6 दिशा को देखना है, तो हम गड्ढा में गिरेंगे वो देखना है, ऊपर से कुछ मटेरियल गिरेगा वो देखना है, आगे पीछे दायां बायां वो सब देखा जाता है। तो अब जब गड्ढा खोद देगा तो उसका और एक कारण खतरा क्या हो जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा, पानी भरेगा तो उसमें फिर क्या खतरा होगा, पानी में डूबने का खतरा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा प्रिकॉशन, तो पानी टाइम टू टाइम निकालते जाएगा। और उसका और एक बचाव है, जो आदमी को तैरने नहीं आता है वो पानी में नहीं जाएगा, पहले भी हम लोग बता रहे थे जैसे उधर पानी भरा हुआ था जिप्सम एरिया में, अब डिवाटरिंग होगा तो उसके पीछे फिर अब समरसेबुल पंप लगेगा, तो समरसेबुल पंप लगेगा तो इलेक्ट्रिकल खतरा फिर आ गया। तो इलेक्ट्रिकल खतरा जो जिसको मशीन चलाने आता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट समरसेबुल पंप, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसके लिए, तो वो उसको जो भी करना है अपना चला देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा है, शॉक लगने से बचाने के लिए उसका कनेक्शन RCC भी रिड्यूस करंट सर्किट ब्रेकर से होना चाहिए, उसमें प्रॉपर अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए, केबल कटा फटा नहीं रहना चाहिए, और केबल में फिर आदमी को फंस कर गिरने का खतरा है, केबल हाइट से वहां ले जाना चाहिए। इसके बाद गाड़ी का एक और इलेक्ट्रिकल खतरा हो जाता है, अंदर में तो सब कुछ चेक कर लिया, अब ऊपर में देखेगा, एक जगह ऐसा हुआ जो बॉकेट से ऊपर का तार टच कर गया, नहीं देखा, नंगा तार था ऊपर जा रहा था, वो टच कर गया तो फिर करंट आ गया, करंट से फिर उसको बचाने के लिए क्या होगा, उसका डिस्टेंस अगर ऊपर में रहेगा केबल जाएगा, पावर इलेक्ट्रिक पावर लाइन जाएगा, उससे हटकर ही रहेगा, 3 मीटर हटकर है तो है, नहीं तो पोजीशन चेंज करके दूसरा जगह ऐसा करेगा। उसके बाद हो गया पानी में और खतरा है, पानी में क्या है, सांप बिच्छू फिर घुस जाएगा, तो उसको सांप बिच्छू के लिए कार्बोलिक एसिड है,
वो छिड़काव कर देता है तो वो सब भाग जाता है। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। जमीन में गड्ढा खोदने को ही एक्सकैवेशन बोला जाता है, जो दो तरीका से होता है, आदमी करता है और इक्विपमेंट करता है। आदमी मैनुअल कर दिया, इक्विपमेंट कर दिया, पोकलेन से, जेसीबी से, उससे होता है। क्या होता है, एक्सकैवेशन होता है, एक ट्रायल ट्रंच होता है। ट्रायल ट्रंच होता है किसी भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को चेक करने के लिए, जैसे गैस लाइन, पावर लाइन, कम्युनिकेशन लाइन, इलेक्ट्रिकल लाइन, इस सब को चेक किया जाता है। वो गड्ढा जो होता है ट्रायल ट्रंच, वो चौड़ाई से अधिक गहराई होता है, लेकिन गहराई उसका फिक्स है, जो 1.5 मीटर से अधिक नहीं हो सकता है। एक्सकैवेशन में फिर क्या देखा जाता है, कौन टाइप का किधर सॉइल है, मिट्टी किस टाइप का है, तो उसमें स्टेबल रॉक आता है, जो पहाड़ आदमी खोदता है, पहाड़ जैसे ब्रेकिंग मशीन चलता है, उसमें 100% उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैपेसिटी लोड का होता है, 100% होता है। उसके बाद आ जाता है, तीन टाइप का सॉइल होता है, ए, बी और सी। ए होता है, एक हो गया रॉकी, बी हो गया मडी और सी हो गया सैंडी। रॉकी में होता है 0.75:1 के रेशियो में उसका खोदा जाता है, तो उसका 53 डिग्री आता है। उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता हो जाता है 1.5 टन पर स्क्वायर फीट। दूसरा आता है मडी, वो 1:1 खोदा जाता है, जिसका 45 डिग्री आता है। उसमें आता है 0.5 टन से लेकर के 1.5 टन तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो इस यहां पर देखते हैं सॉइल टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा हो गया सैंडी, 1.5:1 के रेशियो होता है, उसका 34 डिग्री खोदा जाता है और उसमें 0.5 टन से कम ही उसका स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है। अब हो गया एक्सकैवेशन में बहुत टाइप का खतरा होता है। खतरा से बचाने के लिए वैसे एक्सकैवेशन में एक्सकैवेशन मेथड आता है, जिसमें स्लोपिंग आता है। स्लोपिंग वही हो गया डिग्री, किसका सॉइल टेस्ट के आधार पर 53 डिग्री हो गया ए में, उसके बाद हो गया 45 डिग्री हो गया बी में, और सी में हो गया 34 डिग्री हो गया स्लोपिंग। उसके बाद आता है बेंचिंग, या इसको स्टेपिंग बोला जाता है। बेंचिंग या स्टेपिंग हो गया, प्रत्येक 1.5 मीटर पर 1 मीटर का बेंचिंग होना, कोलैप्स से बचने के लिए उसका वो बताया जाता है। उसके बाद आता है सोरिंग, सोरिंग सपोर्टिंग लगाना हो गया। उसके बाद आता है सीट पाइलिंग, प्लाई या सीट सब दे करके उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसके बाद आता है ब्रेसिंग, सपोर्टिंग लगाना ब्रेसिंग दे करके, और लास्ट में आ जाता है बैरिकेडिंग। बैरिकेडिंग से भी आदमी बच जाता है, वो सब करेगा आदमी को खतरा से बचने के लिए बैरिकेडिंग किया जाता है। बैरिकेडिंग में फिर दो टाइप का होता है, एक इंडिकेटिव होता है, जो प्लास्टिक टेप, ब्लिंकर लाइट सब लगाया जाता है, जो रोड कोन लगाया जाता है, और एक होता है प्रोटेक्टिव, जो हार्ड बैरिकेशन, जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब है एक्सकैवेशन में क्या क्या खतरा होता है, तो इसमें सबसे पोकलेन चलाएगा या जेसीबी चलाएगा, उसको गड्ढा में गिरने का खतरा होता है, तो 2.5 मीटर से हटकर वो एक्सकैवेशन चलाए। उसके बाद हो जाता है एक्सकैवेशन में आदमी को चोट लगने का खतरा हो जाता है, आदमी को गिरने का खतरा हो जाता है। पहले चोट लगने से बचाने के लिए फ्लैगमैन रहता है, फ्लैगमैन गाड़ी को देखेगा और आदमी को देखेगा। आदमी को गिरने से बचाने के लिए बैरिकेडिंग कर दिया जाता है, ट्रैफिक मूवमेंट, आदमी को आने जाने का रास्ता। गड्ढा का नियम यही है, जो गाड़ी चलेगा तो उसका अलग रास्ता रहेगा, और आदमी के लिए मैनुअली अलग अलग रास्ता होना चाहिए, किसी को चोट लगने से बचने के लिए। उसको इलेक्ट्रिकल खतरा एक होता है गाड़ी वाला को, जो एक्सकैवेटर चला रहा है। एक जगह ऐसा हुआ, जो कम्युनिकेशन अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को चेक करने के लिए, अंदर के किसी भी केबल को चेक करने के लिए नहीं कुछ किया, या कोई भूल हो गया होगा, अंदर से एक जा रहा था इलेक्ट्रिकल लाइन, वो खोदा वहीं गाड़ी पर, जेसीबी पर रह गया, तो उसका भी इलेक्ट्रिकल खतरा होता है। इसके बाद हो जाता है आदमी का पानी में डूबने का खतरा, जब ये गड्ढा होगा तो पानी में,
पानी में हो गया तो डूबने का खतरा हो गया, डूबने के खतरा के बाद हो गया सांप भी छुआ सकता है, तो उसको नियम यही है डिवाटरिंग करेगा तो पानी सूख जाएगा। दूसरा बात है डूबने का खतरा उसी को रहेगा जिसको तैरने नहीं आता है, जो नहीं तैरेगा वो काहे जाएगा वहां पर, नहीं जाएगा तो वो भी बच जाएगा। सबसे पहले तो मिट्टी कोलैप्स से बचाने के लिए उसका एक्सकैवेशन मेथड आता है, जो किस टाइप से एक्सकैवेशन खोदा जाएगा। तो मिट्टी होता है तीन तरह का, वैसे होता है स्टेबल रॉक जो पूरा पहाड़ी है, उसमें उसका स्ट्रेंथ कैपेसिटी होता है 100%, कुछ पर कुछ भी देगा तो टूटेगा, कितना उसमें ब्रेकिंग करता है तब जा करके वो टूटता है। तो सबसे पहले होता है स्टेबल रॉक, वो हो गया 90% भी उसको अगर तोड़ेगा तो वो कोलैप्स गारंटी नहीं करेगा। उसके बाद आता है ए बी सी, ए हो गया रॉकी, रॉकी वो मिट्टी हो गया जिसमें पत्थर भी मिला हुआ है, पहाड़ भी है और कुछ सैंडी है, सैंड भी मिला हुआ है, वो 53 डिग्री ही खोदना जरूरी है ये टाइप का सॉइल में, रॉकी में 53 डिग्री से अधिक खोदेगा तो वो फटफट करके नीचे गिर सकता है नियम के मुताबिक। उसके बाद होता है बी में आता है सैंडी आता है, सैंडी में हो गया 45 डिग्री तक उसको, जैसे सीढ़ी लगाते हैं हम लोग 45 डिग्री पर उसको जो खोदेंगे तो वो लगभग ठीक रहेगा। अब लास्ट में आ जाता है मडी आता जाता है, जो कीचड़ सांप का है, जो वेस्ट बंगाल तरफ है और कुछ झारखंड के किनारे में भी है, उसमें क्या है उसका 34 डिग्री ही खोदा जाए और इसका स्ट्रेंथ कैपेसिटी अलग अलग होता है। ए का होता है स्ट्रेंथ कैपेसिटी 1.5 टन पर स्क्वायर फुट होता है, बी का आता है स्ट्रेंथ कैपेसिटी 0.5 से 1.5 तक आता है और लास्ट में जो आता है मडी का उसका होता है वो 0.5 से कम में इसका स्ट्रेंथ कैपेसिटी आता है। तो इस टाइप से आप एक्सकैवेशन कीजिएगा तो आपका गारंटी है मिट्टी कोलैप्स नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसमें देख उसका प्रकार है 6, सबसे पहले है तो एक्सकैवेशन में स्लोपिंग रखना जरूरी है, तो स्लोपिंग जो डिग्री बताया 53 डिग्री हो गया ए, बी हो गया 45 डिग्री और सी हो गया 34 डिग्री, वो जो स्लोपिंग रखेगा तो कोलैप्स करेगा वो नहीं करेगा। दूसरा फिर आ जाता है स्लोपिंग के आ जाता है बेंचिंग और स्टेपिंग, प्रत्येक 1.5 मीटर गड्ढा खोदने से 1 मीटर का बेंचिंग हो जाता है, बेंचिंग उसको स्टेपिंग बोला जाता है जैसे चेयर बैठने वाला है, अगर गड्ढा खोदेगा 1.5 मीटर पर जाकर के फिर अगर 500 रख देगा मिनिमम, 1 मीटर भी रखा जाता है 500 अगर ऐसे करके रख देगा प्लेन फिर उसके बाद स्लोपिंग करेगा तो वो कोलैप्स गारंटी नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है सोरिंग, सोरिंग का मतलब है सपोर्टिंग लगाना, किसी सोरिंग है किसी से सपोर्ट लगा दीजिए, सपोर्ट लगाना है आपका, जैसे प्लाई से लगा सकते हैं, स्टील मटेरियल से लगा सकते हैं, सपोर्ट लगाकर मिट्टी को कोलैप्स से बचा सकते हैं। उसके बाद आता है सीट पाइलिंग आता है, सरिया गाड़ गाड़ करके उसमें क्या कीजिए सीट टीना सब दे दीजिए तो उससे भी बच जाएगा। पांचवा में आता है ब्रेसिंग, ब्रेसिंग जैसे इस सब में लगाया जाता है ब्रेसिंग आता वो भी सपोर्टिंग ही लगाया जाता है और लास्ट में आदमी को बचाने के लिए क्या है बैरिकेडिंग किया जाता है। बैरिकेडिंग होता है दो तरह का होता है, एक बैरिकेडिंग होता है इंडिकेटिव, इंडिकेटिव का मतलब क्या हुआ सिर्फ दिखने लायक, जैसे ये हो गया इंडिकेटिव हो गया ना दिखने लायक हो गया। उसके बाद हो गया जो प्लास्टिक टेप आता है बैरिकेशन टेप, हो गया इंडिकेटिव आ जाता है। गड्ढा करेगा रात में ब्लिंकर लाइट एक दिया जाता है रेड टाइप का और ग्रीन टाइप का, उसको चारों तरफ लगा देगा। उसके बाद होता है हार्ड बैरिकेशन होता है, हार्ड के बैरिकेशन होता है जो पाइप द्वारा कर दिया जाता है। ये हो गया जिप्सम एरिया, NTPC का जिप्सम एरिया है, FGT प्रोजेक्ट में ये आ रहा है।
ये अभी काम तो से एक साल से चालू है, लेकिन फिर भी अच्छा इसमें देखिए रास्ता तो ठीक, हैंडरेलिंग बना हुआ है, लेकिन एक हैंडरेलिंग और रहता तो और अच्छा दिखता। इसके अलावा इसमें भी वही बीमारी है, इधर हैंडरेलिंग दिया गया है लेकिन हैंडरेलिंग होना चाहिए 500 पर मिड रेल, और टॉप रेल होना चाहिए 1200 से 1000 से 1200 mm तक, सवा मीटर पर लगभग। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ी है, मटेरियल रास्ता पर रखा गया है, रास्ता पर मटेरियल आने जाने के रास्ता में नहीं रहना चाहिए, यह आदमी को पैर पड़ेगा और ठोकर लगेगा वो गिर जाएगा। यहाँ क्या है, हैंडलिंग तो दो है, इसमें एक ही लगा है, एक हैंडलिंग इसमें और लगेगा। आगे बढ़िए, ये भी मटेरियल रास्ता पर रखा गया है, इसको हटवा दीजिए। और मटेरियल जो इसको डिसेटरिंग किए हैं, इसको थोड़ा स्टैकिंग करके रखवा दीजिए। कल ही बताए थे कि साइड में ये गड़बड़ी क्या है, इसको खोल करके, इसको खोल करके क्या करेगा, थोड़ा नीचे कर देगा, इस समतल पर देख देगा, नहीं तो इसमें क्या है जो उसको खोलिए नीचे बांधिए, इसको इस पर रख दीजिए स्लैब पर, राफ्ट टू राफ्ट पर रहेगा, जर्किन भी नहीं मारेगा, ये हिल रहा है ये सब नहीं हिलेगा। इधर भी फिर वही बात है, रास्ता पर मटेरियल रखा हुआ है। आपका जो काम है थोड़ा सुनिए, हल्का इधर हो जाइए, आगे जाने का रास्ता थोड़ा खींच लीजिए इसको, आपका हथौड़ी ठीक है, हथौड़िए से खींचते हैं। चलिए हथौड़ी देखें, अच्छा नहीं टाइट है इसका, इसका लेकिन ये पोजीशन गड़बड़ हो गया है, इसमें कीला कीला छिटकता होगा, कहे तो ये प्लेन रहना चाहिए, इसमें हथौड़ी में आपका गड़बड़ी है। आपका क्या गड़बड़ी है, आपका भी वही लगभग है, दोनों आदमी एक ही एज में काम करना चालू किए थे, एक ही बार लिए थे हथौड़ी, आपका कैसा हथौड़ी है, सही है, हाँ है लेकिन इधर से पोजीशन गड़बड़े है। अच्छा देख रहा हूँ इधर, एक मिनट, ये केबुल जो है जो इस केबुल को थोड़ा हटा देगा, इलेक्ट्रिशियन नहीं आया है, उसको आप कहाँ छोड़ दिए, आ रहा है, उसको बोलिए इसको उठाएगा, ये फाल कर रहा है। इसके अलावा यहाँ जो है, अच्छा ये जो आने जाने का रास्ता कौन सा है, इधर से है सर, उधर से है, उधर कैसे जाएगा, किधर से जाएगा, कैसे है ये एडजस्ट नहीं करना, ये घर थोड़े है, घर परिवार में एडजस्ट किया जाता है, घर से बाहर जाता है तब तो एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा इसको देखिए, ये सीढ़ी लगाया गया है, वो भी सिंगल जाली दिया है, इसमें हैंडलिंग नहीं है, डबल जाली होना चाहिए, वो सब एक बार मैं रास्ता बनवाया था ना उधर, तो उधर से बनाया था, तो उसी टाइप का आप ऐसा इसको उठाइए, उठा करके इधर रखिए, नहीं तो इधर उतरिए, क्या ठीक तो बोलते हैं, या इसके ऊपर में रख दीजिए, इसके ऊपर में कंप्लीट रख देगा, उस जाली को सही कीजिए। आप लोगों का जो है सो हैंड ग्लव्स नहीं है, हैंड ग्लव्स तो पूरा चथरी मच गया है, उसको जो तुम तो आओ दे दो ना, तुम अब मंत्रीगिरी छोड़ दिया है सुपरवाइजरी है, तो इसको घर ले जाइएगा, आई रखे तो पहुंच लीजिए। तुम्हारा क्या है हाल, ठीक है, तुम्हारा जो चेन स्टिप नहीं लगाता है, फिर वही गड़बड़ी है, वहां से उतरेगा तो वहां से फिर ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता नहीं है, इसको क्या कीजिए, इधर से डायरेक्ट रास्ता बनाइए, कॉलम होगा तो बीच में होगा ना, बीच में खड़ा होगा, इधर तो चारों तरफ नहीं खड़ा होगा। सुनिए वो जाली को लीजिए, यहाँ ऐसे करके जाली दे, डबल जाली दीजिए, उठाइए उसको, ए छोटू भाई कुछ तो काम करो, खाली बैठ के फांकी मारेगा तो फांकी मारने से कुछ होने वाला है, चढ़ेगा गिर जाएगा, तो पैसा मिलता है। उसी में फांकी में पैसा मिलता है, लेकिन फांकी में गिरता भी है, जो धन जैसे आता है वो धन वैसे जाता है, इस बात को ध्यान रखो। कबीरदास भी ये सत्य बात है, काम करने में मेहनत करो, मेहनत करेगा तो उसका फल अच्छा होगा, मेहनत नहीं करेगा तो वो पैसा कहीं बीमारी में चला जाएगा, तो इधर उधर गिर जाएगा, दारू में चला जाएगा, और लड़का बच्चा भी खराब हो जाएगा। तुमको पकड़ो, उठाओ उसको, आ जाइए। अच्छा ये डिवाटरिंग पंप है,
ज्ञाति चालू कर पोजीशन में है कि खराब है? सही है, ये सही है। तो इसका केबल रूटीन जो है उस पर से आया है, रास्ता पर से, उसके अंदर करवा दीजिए या उसको चेंज कीजिए। जाली को उठाइए, जाली को उठा करके इधर से दीजिए, उसको उठा लीजिए। और इधर और क्या क्या गड़बड़ी है? या तो इधर मैं एक बार पाइप दिलवाया था, रास्ते बंद करवाया था जो वहां रास्ता से इधर आदमी आएगा ही नहीं, लेकिन वो तो नहीं हुआ। इसमें होगा तो बैरिकेशन कर दीजिए। गड्ढा है ये कितना मीटर होगा? 6 मीटर से कम नहीं होगा, 6 से 7 मीटर होगा। इसको क्या कीजिए, या तो वहां रास्ता बंद कीजिए, एक पाइप दे करके, सिंगल पाइप दे करके बंद हो जाता है, नहीं तो इसको घेर दीजिए। दोनों में से जो अच्छा लगे वो पूरा कर दीजिए। आप शायद इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर हैं, ठंडा रहने से काम चलता है, थोड़ा गर्म होना जरूरी है ना। सब काम आपका बाकी है, अभी वर्क नहीं हो रहा है। नहीं नहीं हो रहा है वाली बात नहीं है, उसको वहां घेरवा दीजिए, एक पाइप वहां दे दीजिए, कोई भूल से आएगा तो गिर जाएगा। ठीक है, चलिए जो सब बताए हैं उस सबको कंप्लीट कर दीजिए। आप लोग भी आइएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग नया है आइएगा तो बताइएगा ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम है। इसलिए पूरा साइड आज मैं घुमा दिया, और उधर वाला साइड तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग भाइयों। गुड मॉर्निंग सर। आज जो है वैसे तो एक्सकैवेशन है, गड्ढा खोदने को एक्सकैवेशन बोला जाता है। उसमें दो टाइप का होता है, एक होता है मैनुअली होता है जो हाथ से दो फावड़ा से होता है, एक होता है मैकेनिकली जो जेसीबी से पोकलेन से होता है। तो इसमें जो है बहुत टाइप का खतरा है एक्सकैवेशन में। एक्सकैवेशन में सबसे पहला खतरा है, खतरा से पहले उसका कुछ सिस्टम है एक्सकैवेशन करने का। तो सबसे पहले सॉइल टेस्ट होता है, जो किस टाइप का सॉइल है, ए है, बी है, सी है, ए है तो उसका आ जाता है 37 डिग्री आता है, उसके बाद बी आता है 45 डिग्री स्लोपिंग होता है, या सी आता है तो 53 डिग्री स्लोपिंग आता है। उसमें क्या है सिस्टम है, मेथड ऑफ एक्सकैवेशन आता है, जो कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाता है। सबसे पहले स्लोपिंग आता है, उसके बाद स्लोप रखना जरूरी है। अब सब सॉइल में सब टाइप का स्लोप है, यहाँ वैसे है पत्थर पत्थर वाला है, तो यहाँ स्लोपिंग कम है, बी टाइप का बोला जाता है, 45 डिग्री स्लोपिंग होता है। 2 मीटर पर क्या होता है, तो 1 मीटर बेंचिंग रखा जाता है, उसको स्टेपिंग बोला जाता है। उसके बाद होता है सीट पैलिंग, ब्रेसिंग होता है, ब्रेसिंग हो गया है सबको कोलैप्स से बचाने के लिए ब्रेसिंग लगाया जाता है। सीट पैलिंग हो गया वो भी कोलैप्स से बचाने के लिए, जहां कीचड़ रहता है तो वहां उसको भी लगाया जाता है। उसके बाद आता है बैरिकेडिंग आता है, बैरिकेडिंग भी कर दिया जाता है। तो उसमें 2-4 खतरा क्या सब है, सबसे पहले है आदमी को गड्ढा में गिरने का खतरा, गिरने से बचाने के लिए बैरिकेडिंग कर देगा तो हो गया, वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एक्सकैवेशन का एक्सकैवेटर को गड्ढा में गिरने का खतरा है, तो उसका नियम है जो कम से कम 3 मीटर छोड़ करके ही वो कोई भी इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट जो है रखेगा। उसके बाद कोलैप्स हो जाएगा मिट्टी, कोलैप्स से बचाने के लिए क्या है, तो उसमें किनारे से मिट्टी 2.5 मीटर तक मिट्टी नहीं रखेगा। इसके बाद हो जाता है आदमी को गाड़ी से चोट लगने का खतरा है, गाड़ी आदमी पर चढ़ने का खतरा है, उसके लिए फ्लैगमैन रहता है, तो फ्लैगमैन देखेगा। और उसका नियम क्या है, 2 रास्ता होना चाहिए, एक आदमी का रहना चाहिए और एक ड्राइवर सब का रहना चाहिए। ड्राइवर सब जो है गाड़ी जो हो के रहना चाहिए, उसमें हेल्पर रहना चाहिए, गाड़ी का कंडीशन सही रहना चाहिए। और लास्ट में आ जाता है पानी में डूबने का खतरा होता है, तो उसको डिवाटरिंग करते रहेगा, डिवाटरिंग करेगा तो फिर इलेक्ट्रिकल खतरा हो जाता है। इलेक्ट्रिकल खतरा से दूर करने के लिए RCCB से उसको कनेक्ट करना जरूरी है, उसमें अर्थिंग सब लगा हुआ रहना चाहिए, उसका काम जो है इलेक्ट्रिकल काम इलेक्ट्रीशियन ही करेगा। और उसमें एक चीज और चेक कर किया जाता है इलेक्ट्रिकल से बचने के लिए, उसमें अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को चेक किया जाता है, अंदर में पाइपलाइन है, पावर केबल है, कम्युनिकेशन लाइन है, गैस लाइन है, उसको चेक किया जाता है। और ओवरहेड यूटिलिटीज, ओवरहेड में आ जाता है जहां भी पावर लाइन है, उससे भी खतरा हो सकता है। एक जगह ऐसा हुआ जो JCB चला रहा था, गड्ढा खोद रहा था, उसको पता नहीं था, और ऐसा हुआ केबल में धक्का लगा, वो ड्राइवर वहीं पर
टाटा स्टील में 10-12 साल हुआ है, वहीं पर रह गया। तो ये सब खतरा उसमें होता है, तो खतरा से बचाने के लिए ये सब जो बताया वो बात है। इसके अलावा है डेली एक न एक आदमी यहाँ पर पकड़ा जाता है। आज कल परसों क्या किया, तो बीमे पर बैठ करके सो रहा था, उसको मैं बोला सोया नहीं हो, लेकिन वो माना नहीं, बोला स्लीपिंग नहीं देंगे। उस सबको तो कुछ न कुछ पॉइंट मिल जाता है, तो मिलता है, क्यों मिलता है, हम लोगों का गड़बड़ी है इसके लिए मिलता है। तो गड़बड़ी नहीं रहना है, मैं बार बार यही बोलता हूँ। जहां जो जाएगा वो बहुत सुनाता है, बहुत वहां हमको भी मिनट खड़ा करके वो सुनाया दुनिया भर का यार कि सोया है तो क्या करता है, और तब जा करके क्या करता है, आदमी गड़बड़ी करता है। कोई क्या करता है, सीढ़ी नहीं लगाता, उधर से उधर कूद करके दीवार पर आ जाता है। जहां भी काम करेगा आने जाने का रास्ता कंप्लीट होना चाहिए, प्लेटफॉर्म लगा हुआ रहना चाहिए, ओपनिंग नहीं आए नहीं रहना चाहिए। अगर जाली लगा है, कम जाली है, तो जाली के बगल में हैंडलिंग मार देगा। उसमें भी देख रहा हूं उधर वाला में भी वही गड़बड़ी है, हैंडलिंग तो पहले खोल लिया गया है। तो सेंटू अगर उधर वाला जो अभी काम करेगा उसको थोड़ा देख करके सही करा दो, दीवार के पीछे वाला सीढ़ी लगा हुआ रहना चाहिए, हैंडलिंग लगाना है, और कैमरा लगा हुआ वो क्लियर दिखाई देता है, पूरा यहाँ तक दिखाया जाता है, उधर तक एमसीसी बिल्डिंग तो उधर से देखता है कितना हाइट में लगा है कैमरा। तो ये मत सोचो जो कहीं हम कुछ लोग कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, ऐसा बात नहीं है, देखने वाला बहुत है, तो काहे देखने देंगे गड़बड़ी, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, आज पावर नहीं है, जय सुरक्षा, विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी। ठीक है, सबसे पहले तो मिट्टी कोलैप्स से बचाने के लिए उसका एक्सकैवेशन मेथड आता है, जो किस टाइप से एक्सकैवेशन खोदा जाएगा। तो मिट्टी होता है तीन तरह का, वैसे होता है स्टेबल रॉक जो पूरा पहाड़ी है, उसमें उसका स्ट्रेंथ कैपेसिटी होता है 100%, कुछ और कुछ भी देगा तो टूटेगा, कितना उसमें ब्रेकिंग करता है तब जा करके वो टूटता है। तो सबसे पहले होता है स्टेबल रॉक, वो हो गया 90% भी उसको अगर तोड़ेगा तो वो कोलैप्स गारंटी नहीं करेगा। उसके बाद आता है ए बी सी, ए हो गया रॉकी, रॉकी वो मिट्टी हो गया जिसमें पत्थर भी मिला हुआ है, पहाड़ भी है और कुछ सैंडी है, सैंड भी मिला हुआ है, वो 53 डिग्री ही खोदना जरूरी है। ये टाइप का सॉइल में रॉकी में 53 डिग्री से अधिक खोदेगा तो वो फटफट करके नीचे गिर सकता है नियम के मुताबिक। उसके बाद होता है बी में आता है सैंडी आता है, सैंडी में हो गया 45 डिग्री तक उसको, जैसे सीढ़ी लगाते हैं हम लोग 45 डिग्री पर उसको जो खोदेंगे तो वो लगभग ठीक रहेगा। अब लास्ट में आ जाता है मडी आता जाता है, जो कीचड़ सांप का है, जो वेस्ट बंगाल तरफ है और कुछ झारखंड के किनारे में भी है, उसमें क्या है उसका 34 डिग्री ही खोदा जाएगा। और इसका स्ट्रेंथ कैपेसिटी अलग अलग होता है, एक का होता है स्ट्रेंथ कैपेसिटी 1.5 टन पर स्क्वायर फुट होता है, बी का आता है स्ट्रेंथ कैपेसिटी 0.5 से 1.5 तक आता है, और लास्ट में जो आता है मडी का उसका होता है वो 0.5 से कम में इसका स्ट्रेंथ कैपेसिटी आता है। तो इस टाइप से आप एक्सकैवेशन कीजिएगा तो आपका गारंटी है मिट्टी कोलैप्स नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसमें देख उसका प्रकार है 6, सबसे पहले है तो एक्सकैवेशन में स्लोपिंग रखना जरूरी है। तो स्लोपिंग जो डिग्री बताया 53 डिग्री हो गया ए, बी हो गया 45 डिग्री और सी हो गया 34 डिग्री, वो जो स्लोपिंग रखेगा तो कोलैप्स करेगा, वो नहीं करेगा। दूसरा फिर आ जाता है स्लोपिंग के, आ जाता है बेंचिंग और स्टेपिंग। प्रत्येक 1.5 मीटर गड्ढा खोदने से 1 मीटर का बेंचिंग हो जाता है, बेंचिंग उसको स्टेपिंग बोला जाता है, जैसे चेयर बैठने वाला है अगर गड्ढा खोदेगा 1.5 मीटर पर जाकर के फिर अगर 500 रख देगा मिनिमम
एक मीटर भी रखा जाता है, 500 अगर ऐसे करके रख देगा प्लेन, फिर उसके बाद स्लोपिंग करेगा तो वो कोलैप्स गारंटी नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है सोरिंग। सोरिंग का मतलब है सपोर्टिंग लगाना, किसी सोरिंग है किसी से सपोर्ट लगा दीजिए, सपोर्ट लगाना है आपका, जैसे प्लाई से लगा सकते हैं, स्टील मटेरियल से लगा सकते हैं, सपोर्ट लगाकर मिट्टी को कोलैप्स से बचा सकते हैं। उसके बाद आता है सीट पाइलिंग आता है, सरिया गाड़ गाड़ करके उसमें क्या कीजिए, सीट टीना सब दे दीजिए तो उससे भी बच जाएगा। पांचवा में आता है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग जैसे इस सब में लगाया जाता है, ब्रेसिंग वो भी सपोर्टिंग ही लगाया जाता है। और लास्ट में आदमी को बचाने के लिए क्या है, बैरिकेडिंग किया जाता है। बैरिकेडिंग होता है दो तरफ का, दो तरह का होता है। एक बैरिकेडिंग होता है इंडिकेटिव। इंडिकेटिव का मतलब क्या हुआ, सिर्फ दिखने लायक, जैसे ही हो गया इंडिकेटिव हो गया ना, दिखने लायक हो गया। उसके बाद हो गया जो प्लास्टिक टेप आता है, बैरिकेशन टेप, हो गया, हो गया इंडिकेटिव आ जाता है। गड्ढा करेगा रात में ब्लिंकर लाइट एक दिया जाता है, रेड टाइप का और ग्रीन टाइप का, उसको चारों तरफ लगा देगा। उसके बाद होता है हार्ड वेरिकेशन होता है। हार्ड के वेरिकेशन होता है जो पाइप द्वारा कर दिया जाता है।